देख रहे हैं CN24। वैश्विक महामारी कोरोना को मात देने के लिए 14 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। इसको लेकर पूरे प्रदेश सहित गोरखपुर में भी ड्राई रन किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान आने वाली समस्याओं और असुविधाओं को परखने के लिए यह ड्राई रन किया गया है। गोरखपुर के शहरी क्षेत्र में 3 और ग्रामीण क्षेत्र में 3, यानी कुल 6 जगहों पर वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन की प्रक्रिया पूरा किया गया। इसमें गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज, जिला महिला चिकित्सालय, नगरीय स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपियरगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोराबार और भटहट पर ड्राई रन किया गया। हर अस्पताल पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाया गया। गोरखपुर के जिला महिला चिकित्सालय पर बूथ नंबर 1 पर पहले लाभार्थी के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे रहे। ये ड्राई रन है, इसमें वैक्सीन को छोड़ करके बाकी हमारी वो सारी गतिविधियाँ होंगी जो टीकाकरण के लिए होती हैं। तो इसमें जो है जो लाभार्थी है उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आपका टीकाकरण आज होना है, तो उसके उपरांत यहाँ टीकाकरण के लिए लाभार्थी आएगा, उसको पहले वेरीफाई किया जाएगा कि उसके नाम से कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिनका टीकाकरण आज होना है, फिर उनका हाथ सैनिटाइज करके उनको वेटिंग एरिया में बैठाया जाएगा और उनका जो नंबर आएगा तो उनका टीकाकरण हो जाएगा। टीकाकरण के बाद 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा उसको देखने के लिए कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट ना आने पाए। अगर कुछ आता है तो उसके लिए डॉक्टर लोग रहेंगे, उसकी देखभाल करेंगे और अन्यथा लोग अपने घर जा सकते हैं। जिला महिला चिकित्सालय की प्रमुख अधीक्षिका डॉक्टर माला कुमारी सिन्हा ने बताया, शासन के निर्देशानुसार पूरे प्रोटोकॉल के साथ व्यवस्था की गई है। 3 कक्ष हमें एक से इंटर कर पहले उनका वेरिफिकेशन होगा नाम का, उसके बाद हम उनको सैनिटाइज करेंगे, उनका हाथ कैप मास्क लगाएंगे, उसके बाद उनको टीकाकरण कक्ष में भेजेंगे जहां हमारे टीकाकर्मी जो है उनको टीकाकरण करेंगे। टीकाकरण करने के बाद वैक्सीन देने के बाद हम उनको घर नहीं भेजेंगे, हम अपने टीकाकरण उपरांत प्रतीक्षालय कक्ष बनाए हैं वहाँ रोकेंगे आधे घंटे, ये देखेंगे कि टीका का कोई जो है उसको एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है और अगर कुछ आता है तो उसे निपटने के लिए हमने पूरी दवा की व्यवस्था कर रखी है। और वैक्सीन के ड्राई रन की प्रक्रिया चल रही है। आम जन को भी वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड को छोड़कर शेष किसी भी फोटो युक्त परिचय पत्र के आधार पर पंजीकरण कराया जा सकता है। वैक्सीन के रख रखाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 41 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं, 75 टीकाकरण बूथ बनाए गए हैं। एक बूथ पर 100 लोगों को बुलाया जाएगा, उन्हें समय से 15 मिनट पहले पहुंचना होगा। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को समय और तिथि का मैसेज कोविन पोर्टल से भेजा जाएगा।